वेयर यू नीड टू ब्लेंड। ये ब्लेंड क्रिएट करता है आपके मिनिमम, ये ब्लेंड होता है मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। जिस तरह ये आप देख रहे हो एक बिग क्लाउड है, उसके इनसाइड आपका लाइट कलर में एक और क्लाउड है। आफ्टर ब्लेंडिंग कुछ इस तरह के वो आपको इसका विजुलाइजेशन इस तरह की कर सकते हो, आप देख सकते हो। या ये आपके पास लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के दरमियान में ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स ये हैं। अच्छा, ब्लेंडिंग बाय शेप भी होता है, ब्लेंडिंग बाय कलर भी होता है। कलर की ब्लेंडिंग भी बाद का तो आपको रिक्वायर्ड होती है, बाद का तो शेप की ब्लेंडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ये अगर आपको रिक्वायर्ड है तो इसकी शॉर्टकट की W होती है, और इसमें कुछ इस तरह की इलस्ट्रेशंस आप बना सकते हैं जहां आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप चाहो किसी पाथ के ऊपर भी ब्लेंड कर सकते हो, लाइक सर्कल, लाइक स्टार, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, एनी ऑब्जेक्ट, यहां तक कि आप पेन टूल के साथ एक लेटर काइंड ऑफ बनाना है वो बना लो, पेंसिल टूल से अगर आपने कोई अपना सिग्नेचर डालने हैं वो डाल दो, तो ये आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट ओवर द स्पाइन प्लेसमेंट करके दे देगा। जैसे ये जिगजैग है, ये दो ऑब्जेक्ट को ब्लेंड किया गया है और इसको एक पेन टूल के साथ बनाई हुई एक आग के ऊपर इसको प्लेसमेंट की गई है। तो ये आपको ओपन पाथ के ऊपर भी कर सकते हो, क्लोज पाथ भी अगर हो ऑब्जेक्ट तो उसको ब्लेंड करने के लिए आपके पास बड़ा सुटेबल टूल है। अब ब्लेंडिंग करने के लिए ये आपके पास आर्टबोर्ड, और इस आर्टबोर्ड के ऊपर यू नीड टू ब्लेंड अगर करना है तो आपको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होंगे। तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे जो भी ड्रॉ करने आप कर लीजिएगा, इसको डिफॉल्ट फिल के साथ, व्हाइट के साथ एंड स्ट्रोक ब्लैक के साथ यहाँ पे मैंने दिखा रहा, और इसको अगर आपने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड करना हो लाइक दिस, और फर्दर इसको वन लेवल मोर ब्लेंड करना हो वो भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में ब्लेंडिंग होगी, अगर आपने दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में ब्लेंडिंग करनी है तो ये ब्लेंड होने लगा है। ब्लेंड करने के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, एक ये भी तरीका है ब्लेंड करने का, और उसमें जाओ ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और ये है जी ब्लेंड, और इसकी ऑप्शन है मेक। शॉर्टकट की अगर याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको यहां तक आने की जरूरत ही कोई नहीं, ऑल्ट कंट्रोल बी, ये है जी ब्लेंड। आपका एक शेप दूसरी शेप में ब्लेंड हो रही है, इसमें चूंकि फिलिंग नहीं है तो फिलिंग की प्रेजेंस ब्लेंडिंग में नजर नहीं आ रही, अगर फिलिंग होगी तो फिल भी अपने तई रोल प्ले करेगा। इस वक्त फिलिंग में दोनों ही फिल इसकी वाइट है, तो व्हाइट कलर व्हाइट की तरफ जा रहा है तो ब्लेंडिंग इसकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही, अंडू कर देते हैं। अगर आप इसको कलरफुल बनाना चाहो लाइक इसमें हमें कुछ कलर्स भी पुट करने हैं, ये जिस तरह मैं आपको एक कलर हम कर देते हैं रेड और इसका कलर हम कर देते हैं येलो, कलर्स ऐसे जो ब्लेंड होते हुए आपको वाज़े तौर पे ट्रांजिशन उसकी नजर आए, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। या दूसरा तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर आप टूल यूज करना चाहो तो ये टूल है, इस टूल का नाम है ब्लेंड टूल, इसको आप क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पहला आपने क्लिक उस ऑब्जेक्ट पे करना है जहां से स्टार्ट करना है ब्लेंड, और दूसरा क्लिक वहां पे करना है जहां पे एंड करना है ब्लेंड, ये ब्लेंड हो गया। और ये हैं जी स्टेप्स, ये स्टेप्स कितने हैं, क्या इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आप यहां पे डबल क्लिक कर दो, यहां से आपके पास ये तीन ऑप्शंस हैं इसमें, कलर ब्लेंडिंग, स्टेप ब्लेंडिंग, डिस्टेंस स्पेसिफाइड डिस्टेंस ब्लेंडिंग। अगर आप स्टेप्स करोगे तो स्टेप्स देख लो कितने हैं बिटवीन टू, कितने हैं जनाब, 254, इसको कम भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे सिर्फ आपको यहाँ पे पांच स्टेप्स बनाने हैं, पांच स्टेप्स ऑन कर दो, ओके कर दो, ये आपके पास पांच स्टेप्स आ गए। और यहाँ पे ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की शेप दूसरी शेप में ब्लेंड हो रही है, बल्कि आपका कलर भी एक कलर से दूसरे कलर में ब्लेंड हो रहा है, रेड टू येलो। और कभी अगर आप इनमें से किसी को चेंज करना चाहो, शेप में चेंज करना चाहो ट्रांसफॉर्मेशन, और या इसको आप कलर में चेंज करना चाहो, बाद में भी किया जा सकता है, वो कैसे, यूजिंग दीज टूल्स, ये जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, साइड पे क्लिक करो, दोबारा इधर क्लिक कर दो, ये आपका स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, ये एंडिंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। स्टार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसको जब कहीं आप चेंज करना चाहो विद न्यू कलर आप दे सकते हो, एंड ऑब्जेक्ट को भी इसी तरह आप चेंज कर सकते हो, यू नीड टू सिलेक्ट लाइक दिस। और ना सिर्फ इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो बल्कि इसकी शेप भी चेंज कर सकते हो,
तो वन ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट में ब्लेंड होते हुए आपको दिख रहा है। इसी तरह फर्स्ट वन को करना है गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन, और ये आपको अवेलेबल एंकर्स, यू कैन चेंज द शेप, यू कैन चेंज द शेप। इस तरह आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड करने के लिए, ये दो डिफरेंट वेज हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। दोबारा से देखिए आपके पास यहाँ पे अगेन मैं कुछ शेप्स बनाने लगा हूं, जैसे ये शेप बनाई मैंने डाउन एरो से, इसको ट्राइंगल शेप में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसको आप प्लेसमेंट कर लो जहां करनी है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये कहूँ कि तीन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, आपने जस्ट इसको ब्लेंड करना है लाइक दिस। ये आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर टू हो गया। कलर, अगर आप कलर की प्रेजेंस भी डिफरेंट करना चाहो आप कर लो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी रख सकते हो। सेम कलर के साथ जाओगे तो कलर की ब्लेंडिंग नजर नहीं आएगी। इसमें आपकी स्ट्रोक का कलर भी इन्वॉल्व है। ब्लैक इज द स्ट्रोक। या आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसका मतलब है जितने भी ऑब्जेक्ट हों आप उनको ब्लेंड, अगर रिक्वायर्ड हो एलिप्स कर लो, सर्कल कर लो, जैसे आप करना चाहो, कलर भी इसका डिफरेंट करना चाहो कर लीजिएगा। और फिर इन सबको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल है, सबको आप सेलेक्ट कर लो और ऑप्शन को आप टिक कर दो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड, और इसमें मेक या शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल बी। ये आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड होते हुए आपको दिख रहा है। अगर आपको इसके स्टेप्स के साथ आपको प्रॉब्लम है या चेंज करना चाह रहे हो वैल्यू, दो तरीके हो सकते हैं। या आप इस बटन पे, ये जो टूल है ब्लेंड टूल, इस पर डबल क्लिक कर दो, तब भी ये ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें आप स्पेसिफाइड स्टेप में चले जाओ और नंबर ऑफ स्टेप्स को आप कम या ज्यादा आप यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो उसकी प्रेजेंस आपको यहाँ पे दिख रही है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स आपके कम होते जा रहे हैं, और ये आपके नंबर ऑफ जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये मिनिमम वन होता है। अगर आप वन करना चाहो तो ये वन नजर आएगा बाकायदा। अभी 40s में आ गए हम लोग, 20s, और ये आपका हर ब्लेंड दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में सिंगल कम अज कम प्रेजेंस नजर आएगी, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में वन आपका अच्छा अभी दोबारा से दिखाता हूं। तो आपने एक सर्कल, एक ट्राइंगल बनाया था, एक आपने स्क्वायर बनाया था, एक सर्कल बनाया था, तो हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक ब्लेंडिंग क्रिएट हो रही है, हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक ब्लेंडिंग क्रिएट हो रही है। अगर आपने तीन ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड ब्लेंड होते हुए दिख रहा है, शेप चेंज होते हुए दिख रही है, और एक शेप से दूसरी शेप में जा रहे हो, और अगर आप इसको नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे बढ़ाना होगे, तो ये देखो ये दो स्टेप हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, जितने भी इसमें कलर्स भी आपको ब्लेंडिंग शेड्स नजर आ रहे हैं, ब्लू टू दिस एंड दिस टू दिस, ठीक है। ये आप यहां से नंबर ऑफ स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हो, जितने आपने ज्यादा देने हैं ज्यादा दे दो, कम देने हैं कम दे दो। इसके नंबर ऑफ स्टेप याद रखना मिनिमम वन होता है और मैक्सिमम ब्लेंडिंग स्टेप्स, जस्ट फॉर नॉलेज 999 1000 स्टेप्स हो सकते हैं, 1 से 1000 के दरमियान में स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। जिससे ये आपको दिख रहा होगा कि आपका ऑब्जेक्ट ब्लेंड, जो इनके दरमियान में ब्लेंडिंग स्टेप्स हैं वो 1000 है। इसी तरह सेकंड और थर्ड के दरमियान में ब्लेंडिंग स्टेप्स जो हैं वो 1000 है। मिनिमम कितना? 1, और मैक्सिमम 1000 स्टेप्स तक आपके ऑब्जेक्ट ब्लेंड होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह आप अगर पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, सिंपल सी लाइन लगाता हूं, एक और लाइन लगा लेते हैं, इसका जो स्टेप वैल्यू है वेट स्ट्रोक 2 दे देते हैं, ये चले 5 दे देते हैं, ये 5 दे दिया। इसके सेम डुप्लीकेट वर्जन यहां पे हम ऑल्ट के साथ भी आपको पता है क्रिएट कर सकते हैं। ये लो कलर, अगर आप डिफरेंट देना चाहो दे दो, इसको हम कर देते हैं येलो स्ट्रोक का कलर, और इसका कलर कर देते हैं रेड।
अब आपको दो शीट्स ब्लेंड में नजर आएंगे, शेप्स दो हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लो। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद या तो सिलेक्ट कर लो या एक काम और कर सकते हो, मैंने बोला ब्लेंड टूल, ये वाला, इस टूल पे आपने क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, और याद रखना जब स्टार्ट पॉइंट होगा तो माउस में स्टार नजर आएगा, और जब एंड पॉइंट दोगे तो माउस में प्लस नजर आएगा। जब कभी ब्लेंड आप क्रिएट करते हो, स्टार्ट ऑब्जेक्ट पे जब जाते हो, माउस को लेके जाते हो, यहाँ पे स्टार नजर आएगा। स्टार पे मतलब दिस इज द स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट, रेड लाइन इज द स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर आप येलो को करना चाह रहे हो कोई मसला नहीं है इसमें, आप येलो को भी स्टार्ट दे सकते हो, एक को स्टार्ट कहो एक को एंड कहो, ठीक है। तो ये आपने स्टार्ट दिया, अभी मैंने दो के दरमियान में कर रहा हूं, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल आपको थ्री की दिखाई, स्टार्ट दिया, ये हो गया, और यहां पे जाके स्टॉप पे आपने क्लिक करना है लाइक दिस। ये देख रहे हो पूरा का पूरा आपका फ्रेम काइंड ऑफ ग्रेडियंट्स नजर आ रहे हैं, ये लग ऐसे रहा है जैसे ग्रेडियंट फिलिंग की हुई है। ग्रेडियंट मैंने गो के टूल नहीं करवाया अभी आपको, लेकिन ये इस तरह लग रहा है कि ये ग्रेडियंट्स है, ये सारे आपको कलर्स की यहाँ पे प्रेजेंस नजर आ रही है। ब्लेंडिंग ऑफ योर ऑब्जेक्ट भी है प्लस ब्लेंडिंग ऑफ योर कलर्स भी हैं, दोनों चीजें वाजे तौर पे नजर आ रही हैं। अगर आपको किसी टाइम पे ये समझ आए कि मुझे इसका स्टार्टिंग या एंडिंग कलर को चेंज करना हो, येलो की बजाय मुझे ब्लू करना है, मसला कोई नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप अपने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो, ऐसे सिलेक्ट कर लो, मैंने इसको सिलेक्ट किया नीचे वाले येलो लाइन को, ऊपर वाली को नहीं किया, तो डायरेक्ट सिलेक्शन से ये आपने करना है। और कलर आपको पता है, कलर आप यहां से प्रॉपर्टीज में जाके यहां से भी चेंज कर सकते हो। ये है जी इसका कलर, येलो के बजाय मैं ये ब्लू ले लेता हूं, ये ब्लू शेड वाजे हो रहा है। जो भी कलर आप ब्राउन ले लो, जो कलर शेड आप इसमें देना चाहो, आपकी प्रेजेंस ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी दिखाई देगी। और अगर 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 आप इसमें ये चाह रहे हो कि स्टेप्स को कम किया जाए, स्टेप्स को कम किया जाए, स्टेप्स को कम भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या डबल क्लिक कर दो, यहां से स्टेप्स को कंट्रोल कर लो। कलर की अभी मैं आपको बात बताता हूं, डिस्टेंस की भी अभी आपको क्लैरिटी देता हूं। तीन ऑप्शन होती हैं स्पेसिंग में, स्पेसिफाइड स्टेप्स, राइट नाउ स्टेप्स आर 254, कितने होते हैं स्टेप्स मैक्सिमम, हाँ 1000, मिनिमम कितने होते हैं 1, ठीक है। इसको अगर आप कम करना चाहो कम कर दो, 10 दे देते हैं, ये लो 10 लाइंस 10 शेड्स आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसको यहां तो यहां से कर लो डबल क्लिक करके, कंट्रोल स्टेप्स फ्रॉम हियर, और अगर आप इसको सेकंड वे भी है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आप ब्लेंड में चले जाओ और ब्लेंड में इसकी ऑप्शंस को टेस्ट करो जाके, ये ऑप्शंस वही आएंगे जो डबल क्लिक करने से आई हैं, सेम सेम है ना। तो ये आप चाहे डबल क्लिक करके कर लो, चाहे मेन्यू के थ्रू चले जाओ, ये स्टेप्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे आप स्टेप बढ़ा रहे हो, ये देखो स्टेप्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, और ये आपके मैक्सिमम कितने होंगे 1000, मिनिमम कितना होता है 1, और ओके कर दो। और अगर आप इनकी लाइंस की प्लेसमेंट चेंज करना चाह रहे हो इसकी, तो वो भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दिया, इसके आपको एंकर नजर आ रहे हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को मैं यहां पे ले आता हूं, ये लो, इसको मैं इधर ले आता हूं, ये लो, जैसे चाहोगे वैसे ये बिहेव करेगा। इसी तरह बॉटम वाले पार्ट को करना है, बॉटम वाले पार्ट को एक्टिवेट कर दो, ये लो, ये लो, पहले वो वर्टिकल था, मैं हॉरिजॉन्टल की तरफ चला गया। इसका मतलब किसी टाइम पे भी आप अगर डिसाइड कर लो कि इसकी शेप चेंज करनी है, यू कैन डू इट, साइज छोटा करना है, यू कैन डू इट, ये लो, ये आपके पास ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं विद कलर्स विद स्टेप्स विद ऑप्शन, ये आपके पास अवेलेबल है। इसको आप बड़े ही तरीके से इसको कंट्रोल करके कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाना हो और यहाँ पे प्रेजेंट करना हो, आप कर सकते हो ऐसे। जैसे शेप अप करना हो अब की जा सकती है, ये दो हैं, तीन चार भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं एक और तरह से आपको दिखाता हूं, like this।
हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक ही प्रेजेंस, डबल क्लिक करो, वैल्यू बढ़ा दो, स्टेप्स जो कि 1000 तक हो सकते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट, अगर आप कलर भी इसका डिफरेंट करना चाहो कलर डिफरेंट कर लीजिएगा, और इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहो हैंडल्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिविजुअल हर ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। रोटेट करना चाहो रोटेट कर लो, ये लो ये पॉइंट्स मौजूद हैं। आपको पता है इनमें मजीद एंकर्स भी लेके आ सकते हैं, एंकर ऐड हो जाते हैं ना, तो आप उसके अंदर एंकर ऐड करके मजीद उसकी लुक डिफरेंट कर सकते हो, जिस तरह की रिक्वायर्ड है वैसे इसको आप शेप अप कर सकते हो। अगर आप पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर इसको इस तरह वाइडली स्प्रेड करके दिखाना चाह रहे हो, ये दिखा सकते हो, डिफरेंट कलर्स के साथ जाना चाह रहे हो डिफरेंट कलर्स के साथ भी जा सकते हो। जस्ट यू नीड टू क्लिक एक्टिवेट द पॉइंट और उस एंकर को पोजिशन कर लो, और आपने इसके कलर डिफरेंट डिफरेंट रखने हैं वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे क्लिक करो फर्स्ट वाले पे, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, ये लो ग्रीन कर दो, ब्लू कर दो, जैसे आप पसंद करो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट वाला आपका ऑब्जेक्ट है, इसको एक्टिवेट करो, इसका कलर भी डिफरेंट कर दो, ठीक है। दरमियान वाला ऑब्जेक्ट है, इसको भी सिलेक्ट करके क्लिक करके इसका कलर भी डिफरेंट कर सकते हो, येलो ग्रीन ब्लू, ये आपने कलर्स इसके दे दिए। और अगर आप इसके स्टेप्स बढ़ाना चाहो यहां से स्टेप बढ़ा दीजिएगा, और इसकी कुछ थोड़ी सी इस तरह की स्क्रीन के ऊपर आपने कोई ग्राउंड ऐसी रेडी करनी है जिसको आपने इस तरह इसकी प्रेजेंस दिखानी है, तो ये दिखाई जा सकती है। इसकी आगे ओपेसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप इसके ऊपर कोई सरफेस के ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है, और ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर लीजिएगा अगर आप करना चाहो। ग्राउंड के ऊपर अगर आप इसकी प्रेजेंस लाइन्स के अंदर आप इसको दिखाना चाह रहे हो, और ये आप पूरा का पूरा आर्ट बोर्ड अपना डिजाइन कर सकते हो यूजिंग दोज ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये आर्ट बोर्ड के ऊपर इसकी प्रेजेंस है। मजीद इसमें आप, आपको पता है कि आपने इसमें मजीद एंकर्स को ऐड करके इनको मजीद ब्रेक करके और भी इसके ऊपर डिफरेंट इसकी ओरिएंटेशन इसकी इलस्ट्रेशन आप बना सकते हो। इसके अलावा मिसाल के तौर पे ये मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल का मतलब ये, आपको याद होगा मैंने कुछ रोज पहले आपको क्लाउड बनाना सिखाया, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो। या आपके पास एक क्लाउड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, इन सबको आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप पाथफाइंडर में चले जाओ, और पाथफाइंडर में जाके हमें इसको रिक्वायर्ड है कंबाइन यूनाइट, ये यूनाइट कर दिया। इसके अंदर अगर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है फिलिंग कर देते हैं, ये फिलिंग होगी। स्ट्रोक अगर आपने रिमूव करना है स्ट्रोक को रिमूव कर दो, ये स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया, ये आपके पास एक काइंड ऑफ क्लाउड। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ब्लेंड करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे ऑल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ, और कॉपी निकाल के इसको ऑल्ट के साथ शिफ्ट को यूज करते हुए साइज छोटा कर लेता हूँ, और ये यहाँ पे इसके इनसाइड पुट कर देता हूँ विद सम अदर कलर लाइक लाइट कोई कलर ले लेते हैं, ये फिलिंग डिफरेंट कलर की कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलर रख देते हैं, ब्राइट कलर रख देते हैं थोड़ा सा, ये कर दिया, ठीक है। और इनको मैं अब ब्लेंड करने जा रहा हूं। अब ये ब्लेंडिंग दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, और ये ब्लेंड होने जा रहा है, जो कि आप मेक के साथ भी कर सकते हैं, और अगर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ब्लेंड टूल पे क्लिक करो, स्टार्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टार के साथ क्लिक कर दो, और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस के साथ क्लिक कर दो, ये ब्लेंड हो गया। और ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इसमें, कितने हैं, क्या कम कर सकते हैं करने हैं आप कर दो, दोनों को सिलेक्ट करके यहां पे और डबल क्लिक करके, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां से ब्लेंड में आप इसको यहां से ऑप्शन के थ्रू कंट्रोल कर लो। ऑप्शन वही डबल क्लिक करने से जरा जल्दी आ जाती है, सामने आ जाती हैं, और ये इसमें कलर्स की स्मूथनेस भी है, कलर स्मूथ किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसको स्टेप वाइज देखना चाहो कितने स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं,
स्मूथ करने के लिए आमतौर पे 200 के करीब स्टेप्स होते हैं। हाँ, इनको कम ज्यादा कर सकते हो, यहां तक कि मैं इसको 1 तक भी लेके आ सकता हूँ। 3 स्टेप्स अगर आप करोगे, ये 3 स्टेप्स में ये आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक आपका स्टार्ट ऑब्जेक्ट है, एक एंड ऑब्जेक्ट है, और दरमियान में ये 3 स्टेप्स है। और ये कलर्स की भी आपको यहाँ पे जो है वैल्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो ब्लू से लाइट कलर की तरफ वो ब्लेंड हो रहा है। तो ये आपको ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के थ्रू ये सारा काम कर सकते हो। मजीद इसमें क्या क्या है उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो इनके दरमियान में डिस्टेंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर काम करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा अगर कहते हो तो बड़ा भी कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, करने के बाद ऑल्ट कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हो। शॉर्टकट है इसका, ब्लेंड। और ये हैं जी वो स्टेप्स जिनको आप यहां से जाके वैल्यू सेट की जा सकती है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चाहो इनके दरमियान का डिस्टेंस भी आप दिया जा सकता है। स्टेप्स आपको पता है 1000 मैक्सिमम है और 1 मिनिमम है। और अगर आप इसको यहां पे, और ये स्पेसिफाइड कलर चूंकि ऑन है तो बाय डिफॉल्ट ये कलर्स भी ब्लेंड हो रहे होते हैं, ठीक है, ये कलर्स भी ब्लेंड हो रहे होते हैं। क्योंकि कलर दोनों का सेम है इसलिए आपको उसकी विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही, अगर डिफरेंट हो गए तो वो आपको प्रॉपर नजर आएगा ब्लेंड होते हुए जैसे पहले दिख रहा था। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप यहां से एक से दूसरे का डिस्टेंस कितना देना है। और लाजमी है जितना डिस्टेंस कम करोगे उतने ऑब्जेक्ट ज्यादा आएंगे, जितने डिस्टेंस बढ़ाओगे उतने ऑब्जेक्ट कम होंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इसको 1 इंच का डिस्टेंस दे देता हूँ, पूरा 1 इंच का, ये लो। तो एक से दूसरे का फासला ये आपको सेट करने दे रहा है। तो ये डबल क्लिक करके आप इन को मजीद इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो ऑब्जेक्ट की तादाद कम हो रही है क्योंकि एक से दूसरे का फासला आप यहां से सेट कर रहे हो, ठीक है। अब इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ये मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू है, तकरीबन आपके 2 इंच के ऊपर दरमियान में 3 ऑब्जेक्ट आएंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, सिर्फ अब आपके पास एक से दूसरे का जो डिस्टेंस है, दूसरे से तीसरे का डिस्टेंस है, तीसरे से चौथे का डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक वो तकरीबन 2 इंच का फासला बनता है। हाँ, अगर ये कम करोगे ऑब्जेक्ट की तादाद बढ़ती जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जो हैं, उसमें डिस्टेंस वाइज आप मैनेज करना चाह रहे हो या स्टेप वाइज मैनेज करना चाह रहे हो। अगर आप स्टेप वाइज करोगे तो स्टेप्स यहां पे आप दे सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह ऑब्जेक्ट को ब्लेंडिंग उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हो, स्टेप वाइज मैनेज करना चाह रहे हो या उसको आप डिस्टेंस वाइज मैनेज करना चाह रहे हो। और जब ये हो जाता है तो इसको किसी वक्त भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एक्टिवेट करके इस पर वर्क कर सकते हो, इंडिविजुअल, स्टार्ट के ऊपर भी अलग और एंड के ऊपर भी अलग, जिस तरह मैंने बोला कलर चेंज करना, ठीक है, जिस तरह मैंने बोला इसकी शेप चेंज करनी। शेप के लिए आपको पता है कि आप एंकर्स को क्लिक करते हो, एक एंकर को आपने क्लिक कर दिया और ये देखो ये शेप चेंज हो गई। और इस पर भी इसी तरह क्लिक करके इसको भी अगर आपने शेप करना, ये लो शेप चेंज हो गई, एंकर को एक्टिवेट करना और ये लो। आप देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ ब्लेंड हो रहा है और डायरेक्ट सिलेक्शन आपको इसमें सपोर्ट दे रहा है कि आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को खासतौर पर स्टार्ट और एंड के ऊपर अपनी मर्जी से उसकी प्रॉपर्टीज को रियलाइन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट बनाने में आपको हेल्प आउट करता है, ब्लेंड करते हुए आपको ये दिखा रहा है। अच्छा, अगली बात, आपने यहाँ पे जो एक मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी सेम कॉपी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और इस बार मैं इसमें स्ट्रोक को भी एक्टिवेट करता हूँ, लाइक वाइट को कर देता हूँ, व्हाइट की वैल्यू भी मैंने थोड़ी कर दी ज्यादा, तकरीबन ये देख रहे हो व्हाइट स्ट्रोक भी नजर आ रहा है, तकरीबन मैंने 5 पॉइंट का ये स्ट्रोक भी लगा दिया। और इसको लगाने के बाद इसकी सेम कॉपी मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इन दोनों को मैं ब्लेंड करने जा रहा हूँ। ऑल्ट कंट्रोल बी से भी कर सकते हो और वैसे यहां से भी आप स्टार्ट और एंड बता सकते हो।
ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बन गए। लेकिन इसमें जैसे जैसे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे, स्टेप्स को वो बढ़ाओगे, देखो किस तरह का स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी आपको नजर आने वाली है। डबल क्लिक करके आप स्टेप्स को इंक्रीज कीजिएगा ऐसे, जो कि 1000 तक जा सकते हैं। ये लो, देख रहे हो किस तरह आपके इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट या आपको रिक्वायर्ड हो, ये मैंने सर्कल्स बनाए। आप पॉलीगॉन ले सकते हो, ट्रायंगल्स ले सकते हो, आप रेक्टेंगल्स ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को अगर आप ब्लेंड के साथ कोई इस तरह का आपको क्रिएटिविटी चाहिए अपने उस आर्टबोर्ड के ऊपर, तो ये देखो कितने मजे से मैंने ब्लेंड को यूज करते हुए इन ऑब्जेक्ट्स को बनाया है। और यहाँ आप कहते हो कि मुझे यहाँ पे जनाब जस्ट फॉर्म बनाना है, मैंने यहाँ पे नेम की एंट्री करनी है, ठीक है, और नेम की एंट्री के सामने मुझे यहाँ पे बॉक्सेस चाहिए, इस जगह पे मुझे बॉक्सेस चाहिए, ये लो ये बॉक्स बनाया, और इसका सेम वर्जन यहाँ पे क्रिएट कर दिया ऑल्ट के साथ। अब इन दोनों को आप ब्लेंड करके जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं यू कैन डू इट, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है, एक ही काम को मैं दो तरीकों से करके दिखा रहा हूं। ये आपके पास बॉक्सेस बन गए। कभी आपको इस तरह का फॉर्म रेडी करना हो, ब्लेंड ऑब्जेक्ट, और अगर आप कहते हो कि इसके दरमियान में डिस्टेंस भी होना चाहिए था, तो ब्लेंड में ऑप्शन है, आप डिस्टेंस सेट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, ब्लेंड में ऑप्शन में चले जाइएगा और ये आपको अलाउ करता है इफ यू वांट टू सेट डिस्टेंस बिटवीन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। ये डिस्टेंस है, बढ़ा दो, वो देखो और है ना सेट, कितने जबरदस्त तरीके से आपको ये अलाउ करता है कि आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को इस तरह क्रिएट करके कोई फॉर्म्स वगैरह बनाने हो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक दिस, जैसे मैंने किया। हेलो जन, तो कितनी जल्दी से आपका इस तरह की कोई एक्टिविटी करनी हो तो आपको ये अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपको इस तरह ये ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप ये करना चाहो तो ये आपको अलाउ करता है। इसके अलावा आपको मैंने ये बोला कि आप अगर चाहो इसको, जो कि स्ट्रेट आपका ब्लेंड होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, आप इसको अगर चाहो इसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी प्लेस कर सकते हो, लाइक सर्कल्स, इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को आप किसी थर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी प्लेस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जल्दी से आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको ओवर ए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट की जाती है। ये देखो मिसाल के तौर पे आपने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ये एक स्टार क्रिएट किया डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, स्ट्रोक को मैं ऑफ करने लगा हूं, ये लो जी स्ट्रोक को ऑफ कर दिया, इसे कलर सेट कर देते हैं, ले जी कलर भी कर दिया, ठीक है जी। कलर करने के बाद दोबारा सुनो, आर फॉर रोटेट, मूव दैट पॉइंट टूवर्ड्स सेंटर, जहां पे आप रखना चाह रहे हो इसको प्लेसमेंट कर लीजिएगा। करने के बाद यहां पे मैंने 90 degree देना है या 45 देना है, जो एग्जैक्टली आप वैल्यू चाह रहे हो उसके मुताबिक दे के कॉपी क्रिएट कर दीजिएगा। और जब आप इसको कंट्रोल डी करो, एक एहतियात जरूरी करनी है, यहां पे पहुंचने के बाद वन मोर टाइम इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाओ, वरना गैप आएगा ब्लेंडिंग में। ये मैंने वंस मोर टाइम ये कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर आप अब इस पर ब्लेंड करोगे, पिछली दफा एक इशू आया था उसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे दोबारा करना पड़ा, मेक, ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके आ रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट ने एक नया ऑब्जेक्ट सेंटर में क्रिएट करना है। और अगर आप इसको इंक्रीज करोगे स्टेप्स को, यहां से ये स्टेप्स हैं, इंक्रीज करके देख लो, ठीक
ठीक है, जितने आप स्टेप्स इंक्रीज करना चाहो स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, कलर्स अगर आपको नहीं चाहिए, एक काम करते हैं, इस बार कलर के बगैर करवाते हैं, ये मैंने कलर के साथ किया ना, अब विदाउट कलर करते हैं, फिलिंग नहीं करते। ठीक है, फिलिंग को मैं ऑफ कर देता हूं, ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे विद दोज लाइंस जो स्ट्रोक की चाह रहा हूं मैंने कर दी, स्ट्रोक का कलर मैंने ये कर दिया। इस बार मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे में परफॉर्म करके दिखा रहा हूं। ठीक है, पिछली बार मैंने फिल किया था, इस बार फिल नहीं करूंगा, तो ये देखो क्या करता है। आर फॉर रोटेट, मूव दिस पॉइंट टू लोकेशन दिस वन, और उसके बाद 90 डिग्री अगर आप करना चाह रहे हैं, 45, चलिए 45 कर लेते हैं। कंट्रोल डी, ये 2, 3, 4, 5, 6 और एक दफा मोर, ये अब इनको मैं सबको सिलेक्ट करने जा रहा हूं और ब्लेंड ऑप्शन को इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूं। ये देखो, डबल क्लिक, नीड फ्यू मोर स्टेप्स। देख रहे हो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट आपके पास क्रिएट करके आर्ट बोर्ड के ऊपर कैसे जबरदस्त किस्म की इलस्ट्रेशन आ गई है। आप चाहो तो कम कर लो, ज्यादा कर लो, जैसे आप मुनासिब समझो। इसके अंदर आपका वो सारे टूल्स चलेंगे, याद है वो शेप बिल्डर और स्मार्ट फिलिंग, ये वो सब कुछ हो सकता है, बड़े कलरफुल किस्म का ये ऑब्जेक्ट बन सकता है। और इत्तफाक की बात है कि मैंने जस्ट सिंगल कलर दिया था, अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट भी कलर देना चाहो, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको एक्टिवेट करो, कलर डिफरेंट कर दो, किसका, स्ट्रोक का, स्ट्रोक को सामने रखो, ये स्ट्रोक है, फिल पीछे है, स्ट्रोक इज फ्रंट, ये क्लिक कर दो, ये स्ट्रोक चेंज हो रहा है। दूसरे का भी करना है, दूसरे का भी कर लो, ये लो दूसरे को एक्टिवेट किया, स्ट्रोक को डिफरेंट कर दिया, इसी तरह तीसरे को ऑन किया, स्ट्रोक डिफरेंट कर दिया, चौथे को ये किया, स्ट्रोक डिफरेंट कर दिया, एंड सो ऑन। देख रहे हो एक खूबसूरत किस्म का आपके पास उसका एक इमेज ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हुए आपने उसको यहां पे प्रेजेंट कर रहे हो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक स्टार से क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट सामने नजर आ रहा है, जिसमें अब आप इसको कहीं पे जैसे आप प्रेजेंट करना चाहो, और अगर आप इसमें ये आपके पास सराउंडिंग क्लोज सराउंडिंग है, इफ यू वांट टू पुट समथिंग कलर वलर कुछ भी कर सकते हो, यहां तक के इन पार्ट्स में भी फिलिंग अलग-अलग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को फ्रिक्वेंसी आपको पता है खुद ही भी कंट्रोल कर सकते हो, ये यहां से आप इसको कंट्रोल करके कम ज्यादा करके फिर देख लीजिएगा कि क्या आपको सीन डेवेलप हो रहा है। ये लो, बहुत हैवी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और ये देख रहे हो आपके मल्टी शेड्स के साथ, कम करोगे कम आपको यहां पे दिखाई देगा। इसका मतलब है ब्लेंडिंग आपके पास अलाउ करता है कि अगर आप कोई इस तरह का कोई इलस्ट्रेशन बनाना चाहो इन योर ऑन योर आर्ट बोर्ड, यू कैन डू इट। एक तो ये चीज बतानी थी मैंने, अब एक और काम करते हैं, एक और आर्ट बोर्ड लेते हैं। कौन सी ब्लू लाइन, स्ट्रोक तो मैंने रखा था ना, फिल ऑफ किया था इसका, स्टार की शेप खत्म करनी है। हाँ हाँ हाँ, तो स्ट्रोक को जो आपका पाथ की बात कर रहे हो, हाँ तो पाथ आपका स्ट्रोक जब बंद कर दोगे तो पाथ ही नजर आएगा। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, जरूरी स्टार, ये ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये आपको स्ट्रोक इसका नजर आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक को ऑफ कर दो, नन कर दो, ये लो ये स्ट्रोक को आपने क्लिक किया हुआ है, नन कर दो यहां से, ये स्ट्रोक भी बंद,
फिल भी बंद, दोनों ऑफ कर दी गई। अब ये है क्या, ये पाथ है, और पाथ भी तब तक है जब तक आपने इसको हाईलाइट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। इफ यू वांट, इफ यू जस्ट मूव फ्रॉम दिस स्टार, ये रिमूव आपको है, पड़ा हुआ है, लेकिन दिख इसलिए नहीं रहा कि उसकी प्रेजेंस नहीं है। उसकी प्रेजेंस कैसे हो सकती है, या तो उसका स्ट्रोक होगा या फिल होगा, ठीक है। ये अच्छा जी, आर्ट बॉडी क्रिएट करते हैं। अब आपको स्पाइन का मैं इस्तेमाल बताने लगा हूं। स्पाइन क्या करता है, स्पाइन का मतलब आपने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अच्छा, इसको आप एलिप्स पे भी करके देखिएगा, ये जो मैंने एक्शन किया ना अभी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की ब्लेंडिंग की है, इसको उसके ऊपर भी करके देखिए कैसे जबरदस्त किस्म की इलस्ट्रेशन बनती है। एलिप्स पे करके देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसके आपके पास अवेलेबल है, उनके ऊपर परफॉर्म करके देखिएगा, यहां तक के लाइन्स के ऊपर भी करके देखिएगा, यहां तक के आर्क्स के ऊपर भी करके देखिएगा। आर्क भी अवेलेबल है ना आपके पास, आर्क के थ्रू भी आप कर सकते हो, यहां तक के पेन टूल के साथ करके देखिएगा। मिसाल के तौर पे ये पेन टूल रूलर ऑन कर देते हैं, ये देखो ये गाइडलाइन मैंने लगा दी, एक गाइडलाइन ये भी लगा दी, ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है। रूलर के ऊपर मैंने ये स्ट्रोक पेन का यहां पे मैं एक काइंड ऑफ कर्व यहां पे बना दी, ये कर्व बना दी, ठीक है। स्केप करोगे टर्मिनेट कर देगा। इसके स्ट्रोक की वैल्यू को हाई करना है, आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जाके इसको थोड़ा सा आप हाई कर दो, कलर आपको जो चाहिए, अगर इसको आपने मजीद अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट करना है कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने 5 पॉइंट्स की इस स्ट्रोक की वैल्यू दे दी, कलर आपका येलो है, इसको चलें हम ब्लैक कर लेते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे ब्लेंड करना है इसको, ये लो, इसको हम कर लेते हैं फ्लिप, इन दोनों को कर लेते हैं सिलेक्ट। अब आप समझदार हो, क्या बनेगा हैं? जो भी ऑब्जेक्ट आप इसका क्रिएट करना चाहो, इसको बाद में भी इसकी लेंथ विड्थ आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। यहां पे आप आ जाओ और क्लिक करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद जो शेप बनाना चाहो, जैसी शेप बनाना चाहो, जैसे उसकी वैल्यू सेट करना चाहो, आप कर सकते हो। और अगर आपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को यहां पे, ये लो जनाब, मेक डबल क्लिक, मेरे बात को, कोई ऑब्जेक्ट्स आपने बनाने हो, आप इस तरह भी उनको फ्लिप करके एडजस्ट करके, ये आपके ऊपर है कि आपके माइंड के अंदर क्या क्या आइडियाज हैं, क्या क्रिएट करना चाह रहे हो। और ये क्रिएट करने के बाद अगर आप, इफ यू नीड टू चेंज द कलर और शेप, आपके पास टूल है अवेलेबल, ये है जी डायरेक्ट सिलेक्शन। बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, ब्लेंडिंग से, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट से। कभी कुछ आप क्रिएट करना चाह रहे हो, कभी ऐसी इलस्ट्रेशंस बनाना चाह रहे हो, तो आपके पास अवेलेबल है ये टूल, आप इससे ये सब कुछ किया जा सकता है। अच्छा जी जनाब, अब मैं आपको एक और इसका इस्तेमाल वो आपको बताता हूं, वो ये कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको बोला कि मैं ये जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट्स हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं, चले इसकी सेम कॉपी बना लेते हैं। इन ऑब्जेक्ट को ब्लेंड कर लेते हैं। अब ये जो मैं ब्लेंड की है ना, ये जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं ओवर सम पाथ फिट करना चाह रहा हूं, ओवर सम पाथ फिट करना चाह रहा हूं। पाथ कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ शेप भी हो सकती है, लाइक आर्क भी हो सकती है, लाइक स्पाइरल भी हो सकता है। स्पाइरल, ये लो जी, ये स्पाइरल मैंने बना दिया। इस स्पाइरल के ऊपर अगर आपने इन शेप्स को फिट करना हो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हो, जस्ट क्लिक बोथ वन,
select a blending object with that new path or spine, or go with this option name is replace spine. Spine ke upar replacement hogi. Usko as a path ke taur pe usne usko capture kiya aur usko place kar diya. Kuch bhi ho sakta hai. Blending object pehle bana lo, फिर एक पाथ बनाओ, सर्कल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, ट्राइंगल बना लो, यहां तक के टेक्स्ट के ऊपर भी फिट कर सकते हो. ठीक है, टेक्स्ट अगर आपका है टेक्स्ट के ऊपर भी. और जहां तक इसकी अगर प्रॉपर्टीज को आपने चेंज करना है, वेरी इजी, डबल क्लिक चेंज द प्रॉपर्टीज फ्रॉम हियर. कितनी डिटेल है, देख रहे हो? और अगर आप इसके अंदर कलर्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, कलर्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो. जस्ट गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक्टिवेट दिस वन, फिल करना है, स्ट्रोक करना है, कलर आप जो भी दोगे. ये मैंने स्ट्रोक का कलर किया है. ठीक है, फिल करना है तो फिल को ऑन कर लो, फिल को फ्रंट पे ले आओ या स्वैप कर लो यहां से, एक ही बात है. अब फिल इसके अंदर आपकी उसको एक्टिवेट कर दिया. ठीक है, स्ट्रोक नन कर दिया और जस्ट फिल ही फिल है इसके अंदर. और अगर आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को भी क्लिक करना है, क्लिक करके इसका भी फिलिंग आप फिल ब्लैक कर दो, येलो ब्लैक हो गया, येलो कर दो, येलो हो गया. जो कलर इसमें फिलिंग के लिए दोगे, बस कलर पहले आप देख लेना कि फिल है या स्ट्रोक है. इस वक्त स्ट्रोक एक्टिवेट है, स्वैप कर लो येलो. फिल को नन करना है, सॉरी स्ट्रोक को नन करना है, क्लिक करके नन कर देना यहां से येलो. अब आपका ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो है, जो कि स्पाइरल के अराउंड आपका उन ऑब्जेक्ट को प्लेसमेंट की गई है, क्वेश्चन है स्पाइरल नहीं बन रही. स्पाइरल तो जस्ट यहां से आओगे ना, ये स्पाइरल है. इसको आपने सेट करना है और जस्ट क्लिक करना है इसको, और स्पाइरल, और स्पाइरल आपकी ये बन गई. और इसके सेगमेंट्स को इंक्रीज करना है तो मैंने आपको बोला था अप एरो, डिक्रीज करना है डाउन एरो. ये लो, ये स्पाइरल का सिर्फ एक सेगमेंट रह गया. ज्यादा बनाए, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, जितने मर्जी आप सेगमेंट्स इंक्रीज कर लो. और इस स्पाइरल के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर दिया. दोबारा देखो, दोबारा स्पाइरल, लेकिन इस बार, अच्छा इस बार मैं लाइन सेगमेंट बनाता हूं. अब मैं आपको एक और ऑप्शन जो रहेगा ये ब्लेंड में वो सिखाने लगा हूं. ये देखो, ये आपने एक सिंपल सा एक लाइन लगाई, स्ट्रोक इसका ऑफ है, स्ट्रोक को ऑन कर देते हैं विद स्पेसिफिक कोई कलर दे देते हैं, ब्लैक ही दे देते हैं. ये स्ट्रोक भी आ गया. ठीक है, इन ऑफ एक और इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ कर लो. ये ब्लेंडिंग में करने लगा हूं फ्रॉम वन टू अनदर. और एक ऑप्शन जो अभी तक मिस की हुई उसको करवा लेने लगा हूं आपको. ब्लेंड ये टूल से भी, यहां से भी कर सकते हो. यू नीड टू गो क्लिक ऑन स्टार्ट एंड देन क्लिक ऑन एंड. ये आपके पास ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट आ गए. इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को स्पाइरल पे फिट करना है. स्पाइरल ये पड़ा हुआ है. ठीक है, इस स्पाइरल को आप एज ए पाथ यूज करना चाह रहे हो. दोनों को सिलेक्ट किया लाइक दिस, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट विद स्पाइरल और स्पाइन, इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए. और यहां पर ब्लेंड में ये क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस स्पाइन येलो. ये ऑब्जेक्ट्स उस स्पाइन के ऊपर, जो नई स्पाइन है उसके ऊपर आपको यहां पे वाजे तौर पे दिख रहे हैं. अच्छा, बाद अवकात स्टूडेंट्स पता क्या होता है, बाद अवकात आप स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो इसकी कर्व है उसके मुताबिक रोटेट नहीं हो रहे ये लाइन जो है. जैसे जैसे कर्व टर्न हो रही है लाइन भी टर्न हो, जैसे जैसे कर्व टर्न हो रही है लाइन भी टर्न हो, ये पॉसिबल है. उसके लिए आपको एक ऑप्शन है. अब ये देखो सारी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, क्योंकि थी ऐसे तो वैसे ही उसने उसके ऊपर प्लेस कर दी. लेकिन अगर आप चाह रहे हो जैसे जैसे कर्व रोटेट हो रही है ये लाइन भी उसके साथ साथ टर्न हो, तो उसके लिए आपकी ब्लेंड ऑप्शन है, उसमें चाहे डबल क्लिक करके कर लो और इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दो. ये बराबर में है, अलाइन टू पाथ, ये लो. और ये देख रहे हो जैसे जैसे पाथ टर्न हो रहा है लाइन भी उस हिसाब से टर्न हो रही है. और यहां पे जाके स्टेप्स को बढ़ा के देखना चाह रहे हो बढ़ा के देख लो, ये लो.
ओके कर दो। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो आपको पता ही है, आप इसको यूज करते हुए अभी भी सब कुछ कर सकते हो। साइज छोटा कर दिया स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एंडिंग ऑब्जेक्ट भी इसी तरह आप इसको साइज बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। तो इस तरह आपके पास काफी फैसिलिटीज हैं। और अगर कलर चेंज करना चाहो, यू कैन गो विथ कलर, सेलेक्ट करके कलर ले लो इसका। बस ये याद रखना इस वक्त करंटली आपका स्ट्रोक एक्टिवेट है या फिल एक्टिवेट है, क्योंकि ये है ही स्ट्रोक, इसमें फिल तो होती नहीं, ठीक है। इसी तरह इंटरनल ऑब्जेक्ट का भी आपने करना चाह रहे हो, इसको भी एक्टिवेट करके इसका कलर भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, जो भी करना चाहो इसको कलर आप दे सकते हो। यहां तक कि ये आपके पास हैंडल्स भी मौजूद हैं, यहां से इनको एक्टिवेट करके हैंडल को विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप इसको मदिर शेप को एडजस्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो, बाद में भी अगर आप इसमें कुछ चेंजेस वेंजेस करना चाहो, यू कैन डू इट, एंकर्स मौजूद हैं और इसे आप इसको रीशेप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपके पास ब्लेंड टूल में ये ऑप्शन है कि आप एक शेप से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में ब्लेंड करना हो आप कर सकते हो। वैसे तो मिनिमम दो शेप्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन अगर आप दो शेप से ज्यादा भी अगर आप ब्लेंडिंग आप करना चाहो तो आप तीन चार पांच शेप जितनी भी बनानी है बना लो। और उसके ऊपर लास्ट में आपको इसको अटेम्प्ट एक सिंपल सा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये शेप्स हैं आपकी, एक शेप मैंने ये ले ली, ठीक है, एक आपने शेप ये ले ली, एक आपने शेप ये ले ली, एक शेप मैंने ये ले ली, ट्राइंगल रखनी है आपकी मर्जी है ट्राइंगल रख लो, अगर पॉलीगॉन बनानी है ये पॉलीगॉन विद सिक्स साइड्स ये बनानी है ये बना लो। जी ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पे आपको दिख रही है, इनके चूंकि स्ट्रोक ऑफ किया हुआ इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके स्ट्रोक एक तो ऑन कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं सबका, ठीक है। और अगर आपको मजीद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं वो भी कर लेते हैं, और फिर आखिर में मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर भी परफॉर्म करके दिखा देता हूं। ये आपके पास शेप्स हैं, ठीक है, आप इनको ब्लेंड कर सकते हो फ्रॉम वन टू अनदर लाइक दिस। ये है जी आपका ब्लेंड टूल, क्लिक करो, स्टार्टिंग पॉइंट में हमेशा आपको स्टार आता है, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब एंडिंग पॉइंट की तरफ जाना है, यहां में हमेशा प्लस आता है और ये ब्लेंड हो गया, ठीक है। और इसी तरह आप अगर फर्दर इनको अगले लेवल पे भी ब्लेंड करना चाहो तो आप ब्लेंड कर सकते हो। ऐड करते जाओ, तो ये ब्लेंडिंग आपकी यहां पे क्रिएट हो रही है। जस्ट यू नीड टू गो विद ब्लेंड, स्टार्ट राइट नाउ दिस वन और उसका क्लोज ठीक है। इसी तरह लास्ट वाले को भी कर सकते हो, ये लो लास्ट वाले को भी कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि ब्लेंड फ्रॉम वन टू अनदर करना हो तो किया जा सकता है। और जब ये ब्लेंडिंग हो जाती है, अगर आप इसमें आपको चाहिए इसको इंक्रीज करना, स्टेप्स को इंक्रीज भी किया जा सकता है। सारों को सिलेक्ट करके इस पे अप्लाई कर दो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंडिंग टूल ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहां से जाके स्टेप वाइज, डिस्टेंस वाइज, कलर वाइज, जैसे आप चाहो आप इसको सेट कर सकते हो। क्लियर है, छोटी सी ऑप्शन है, काम की ऑप्शन है।
अच्छा, जहां तक अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इसको किसी टेक्स्ट के ऊपर भी आप प्ले कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली करना तो मुश्किल होता है, आपको एक काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, लाइक एक आर्टबोर्ड बना लेते हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये टेक्स्ट के ऊपर भी ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाती हैं। डायरेक्टली तो नहीं हो सकते, इनडायरेक्टली हो सकते हैं। वो किस तरह? मिसाल के तौर पे एक लेटर है, ये टाइप कर लेते हैं इधर। मैंने एक लेटर टाइप किया, साइज कर लेते हैं इसको। कोई फॉन्ट ले लेना मुनासिब सा, फॉन्ट में हमें एरियल इज द फॉन्ट, बोल्ड काइंड ऑफ फॉन्ट है ये, एरियल ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, साइज वाइज बड़ा करना है। साइज इसका मजीद आप बड़ा करना चाह रहे हो, साइज आप इसका बढ़ा लीजिएगा, साइज भी चले बड़ा कर लेते हैं। ये आपके पास एक लेटर, इसके ऊपर हम ट्रेसिंग कर लेते हैं पेन टूल से, लाइक दिस क्लिक। क्लिक 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 क्लिक, ये ब्लू लाइन नजर आ रही है? नहीं जी। और अब मैं अपने इस लेटर को बीच में से निकाल कर डिलीट कर देता हूं, ये मैंने ट्रेस किया है। इसकी फिलिंग ऑन है तो फिलिंग को ऑफ कर देते हैं और स्ट्रोक को ऑन कर देते हैं। ये यहां से होती है ये फिल, स्ट्रोक। अब ये आपके पास एक पाथ है, अगर आप इस पाथ को मजीद एडजस्ट करना चाहो यू कैन डू इट। ये आपके पास टूल्स अवेलेबल है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन, इससे आप इसकी शेप पे अपनी मर्जी से चेंज वेंज जो करनी है कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसको चेंज करना हो, एंकर्स आपके पास मौजूद हैं, अगर आप इसको डिस्टर्ब फील कर रहे हो तो इसको ठीक किया जा सकता है। और अब आप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप अपने ऑब्जेक्ट बना लो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स जो भी आपने बनाने हैं। ये लो जनाब, स्ट्रोक को मैंने जानबूझ के ऑफ किया है, करना है कर लो आप। और इसको अब ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स इनको इसके ऊपर प्लेस कर सकते हो। ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंड किया, और ब्लेंड मेक, और इन ऑब्जेक्ट को इस पाथ के साथ सिलेक्ट कर लो, दोनों को सिलेक्ट कर लो, और ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में आप इसको रिप्लेस कर दो स्पाइन पे। इसको इंक्रीज कर सकते हो आप, अगेन वही तरीका स्टेप्स स्टेप्स। ठीक है, अगर आपको स्टेप्स कम चाहिए स्टेप्स कम कर दो 20 स्टेप्स, सेलेक्ट कर लेना पहले, डबल क्लिक, देन गो विद 20, और इंक्रीज करना है, डबल क्लिक, स्टेप्स को इंक्रीज कर लो। ठीक है, जैसे आप इसको करना चाहो आप इसको करके देख सकते हो, ऑप्शन है, अगर आप इसको करके सेट करके देखना चाहो यहाँ से कर लीजिए। अच्छा जी,
और ब्लेंड में क्या हो सकता है जनाब? तो इसका मतलब है आपके पास जो भी शेप्स हैं, और अगर आप इसको रिलीज करना चाहो, मिसाल के तौर पे जब आप ब्लेंड कर देते हो और आपको ब्लेंड नहीं चाहिए, तो लाजमी आपको उसके पास ऑप्शन होनी चाहिए ना ब्लेंडिंग को रिमूव करने की। तो ब्लेंड में यहाँ पे आपके पास रिलीज भी है, ये रिलीज कर देता है, ख़त्म कर देता है उनको, दोबारा से उस जो आपकी पाथ है उससे उसको सेपरेट कर देता है। अगर आप रिलीज़ करना चाहो तो ये रिलीज़ भी किया जा सकता है। और बात बात होता ये है कि आप इसको अगर आप चेंज करना चाहो, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक पाथ है जिसके ऊपर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, लाइक ये आर्क है, ठीक है, इस आर्क के ऊपर मैं इसको प्लेस करना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, इन दोनों को मैं पहले ब्लेंड करूँगा, तो ब्लेंड मैंने कर दिया। और इसका मैं आपको रिवर्स स्पाइन भी पाथ का वो बता दूँ, वही चीज़ रह गई है, बाकी मैंने तकरीबन सारी चीज़ें आपको बता दी। या आपने ये किया, उसके बाद आपने दोनों को सिलेक्ट किया और ये आपने यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट में ब्लेंड में इसको स्पाइन के ऊपर प्लेसमेंट कर दी, इस स्पाइन के ऊपर प्लेसमेंट होगी। बाद का तो आप इसको रिवर्स करना चाह रहे हो, रिवर्स का मतलब है ब्लू स्टार्ट है, रेड आपका एंड है, इसको उल्टा करना है, आपने इधर ब्लू करना है, इधर रेड करना है, तो टेंशन नहीं लेनी, आपने यहीं पर जाना है ब्लेंड में और इसको रिवर्स स्पाइन भी कर सकते होगी ना रिवर्स। इस तरह बाल कलर आपको रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये आप इस तरह इसको किया जा सकता है।